वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो स्पेशल वीडियो है वो भी दुबई में टैक्सी के मुतालिक है। हालांकि इस टॉपिक पर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, तो दोस्तों की रिक्वेस्ट पर मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को जो है डिटेल से बताऊंगा इसका जो प्रोसीजर होता है लाइसेंस लेने तक, और इसका जो वीज़े की कास्ट होती है वो भी क्या होती है, और जब आप ये जॉब करते हैं तो इसमें मिनिमम आप दोस्तों को जो है कितने घंटे काम करना पड़ता है, और इसमें आप दोस्तों की जो सैलरी जो है एटलीस्ट कितनी बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप दोस्तों को जो है इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो काइंडली वीडियो को आखिर तक देखें, और किसी किस्म का क्वेश्चन आप दोस्तों के माइंड में हो जो मैं मिस कर दूं तो आप जो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप दोस्तों को जो है उधर रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप दोस्तों को जो हमारे चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। देखिए, टैक्सी की जॉब हासिल करने के लिए सबसे पहले आप दोस्तों के पास जो है एक वीज़ा होना चाहिए, जो रेजिडेंशियल वीज़ा होता है आप दोस्तों के पास वो होना चाहिए। जैसे कि आप दोस्तों को पता है कि जो 13 कंट्रीज़ हैं उनके वीज़े अभी तक बैन हैं, जिसमें विज़िट वीज़े और रेजिडेंशियल वीज़े शामिल हैं। अगर आप जो इनसाइड कंट्री हैं तो आप दोस्तों के लिए कोई इशू नहीं, आप जो है ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप जो है टैक्सी की जॉब हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास जो है एक रेजिडेंशियल वीज़ा होना चाहिए। तो आप जो है ये जिस कंपनी में काम करना चाहते हैं, जो भी टैक्सी की कंपनी है, तो ये कंपनी जो है आपको वीज़ा प्रोवाइड करेगी। लेकिन आप दोस्तों को जो है इसकी कास्ट जो है पे करना पड़ती है, वो कास्ट तकरीबन 8,000 दिरहम के आसपास हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, वो आपसे जो है सारे पैसे लेती है या फिर बाद में आपकी जो है सैलरी से डिडक्शन करती है। हर कंपनी के जो है अपने रूल्स होते हैं। अगर आप जो है दुबई में टैक्सी की जॉब हासिल करना चाहते हैं तो जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, तो आप जो है दुबई टैक्सी की जो कंपनी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फेमस है और इसकी जो रेपुटेशन है बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि आप दोस्तों ने ये वीज़ा कैसे लेना है। देखें, अगर आप ये वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप दोस्तों के पास जो है दो चॉइसेस हो सकती हैं। अगर आपका कोई जानने वाला है यूएई में तो आप जो है उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी कंपनी है आप उसको बता सकते हैं कि मैंने ये कंपनी ज्वाइन करनी है, या फिर उससे पूछ सकते हैं कि दुबई में जो अच्छी टैक्सी की कंपनी है कौन सी है, तो उसका जो वीज़े का तरीकाकार है और उसके जो चार्जेस हैं आप जो है उससे पूछ सकते हैं, और उसको जो पे करके जो है वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, आप ख़ुद विजिट वीज़े पर आकर जो है जो टैक्सी की कंपनी है डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं, और जो भी उसके वीज़े की कास्ट होती है आप हर चीज़ की जो है इंक्वायरी करके जो है वो डायरेक्टली जो है वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तरीकाकार होता है वीज़ा लेने का। उसके बाद क्या करना होता है कि जब आप दोस्तों को वीज़ा मिल जाता है तो उसके बाद आप दोस्तों के पास जो है यूएई का वैलिड जो है लाइसेंस होना चाहिए। आपकी अपनी जो कंट्री का लाइसेंस है वो यहाँ पर नहीं चलेगा, उसका सिर्फ यही बेनिफिट होगा कि आप दोस्तों की थोड़ी सी क्लासेस माफ़ हो जाएंगी, या फिर आप दोस्तों की जो लाइसेंस की फ़ीस होती है उसमें थोड़ी सी डिस्काउंट मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप दोस्तों को जो है यूएई का जो है वैलिड जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा टैक्सी चलाने के लिए। तो जो लाइसेंस लेने का तरीकाकार होता है वो ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर आप दोस्तों को बता चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जो है वो भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आप जो है लाइसेंस लेने का तरीका जानना चाहते हैं वो भी आप दोस्तों को जो है सारी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। तो इसके बाद क्या करना होता है कि आप जब जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं उसकी जो कास्ट होती है ये डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सा जो है प्रोसीजर चूज़ करते हैं। सपोज़ करें अगर आप जो है फिक्स प्राइस में लाइसेंस लेते हैं, उसकी अभी जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो 8,000 से लेकर 10,000 दिरहम के आसपास है, डिपेंड ऑन कि आप जो है कौन सा जो है स्कूल चूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से फ़ीस में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। अगर आप जो है नॉर्मल प्राइस में लाइसेंस लेते हैं तो उसमें फ़ीस तो कम होती है, लेकिन जितनी दफ़ा आप ट्राई फेल होंगे तो आप दोस्तों को जो है उसकी कास्ट पे करना पड़ेगी। तो बेसिकली आप दोस्तों के जो है 10,000 दिरहम के आसपास आप दोस्तों का जो है लाइसेंस का भी ख़र्चा आ जाता है। तो कुल मिलाकर वीज़ा और लाइसेंस की कास्ट आपने जो है 20,000 के आसपास अपने माइंड में रखनी है। अभी लाइसेंस लेने के बाद आप दोस्तों को मैं बताता चलूँ कि आप दोस्तों को कितने घंटे काम करना पड़ेगा, और इसकी जो सैलरी होती है वो किस तरीके से दी जाती है, मिनिमम आप जो है कितनी सैलरी इसमें अर्न कर सकते हैं। देखें, दुबई में आप जो है जब टैक्सी की जॉब हासिल करते हैं पहले तो ये होता है कि आप दोस्तों को जो एक टैक्सी दी जाती है और दो दोस्तों ने इसको चलानी होती है, एक को नाइट शिफ्ट में चलानी पड़ती है और दूसरे को डे शिफ्ट में चलानी पड़ती है। तो आप दोस्तों पर डिपेंड करता है, आप जो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके जो है इसको चला सकते हैं। तो इसमें जो ड्यूटी टाइमिंग होती है वो तकरीबन 10 से लेकर 12 घंटे तक आप दोस्तों को जो है काम करना पड़ेगा, और इसमें जो सैलरी होती है वो कमीशन बेस पर ही होती है। अगर आप दोस्तों को जो एक टारगेट दिया जाता है, आप दोस्तों ने वो टारगेट अचीव कर लिया, तो आप दोस्तों की जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी आप लोगों को एक मैं आइडिया अगर दूँ तो 10 से 12 घंटे अगर आप काम करेंगे तो आप दोस्तों की जो सैलरी है 4 से लेकर 5,000 दिरहम के आसपास बन जाएगी, इतनी ड्यूटी अगर आप करेंगे तो। इसके अलावा आप दोस्तों की जो टिप होती है वो सेपरेट होती है।
अभी बात करता हूँ कि आप दोस्तों की जो अकोमोडेशन होती है और खाने के जो पैसे वगैरह या इंटरनेट का जो ख़र्चा होता है वो किसने पे करना होता है। देखिए, जो अकोमोडेशन होती है वो टैक्सी की जो कंपनी होती है वो ही आपको प्रोवाइड करती है, सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है, लेकिन जो भी अखराजात होते हैं वो आपने ही करने होते हैं। बाद में ये होता है कि आप दोस्तों की जो सैलरी होती है वहाँ से रिडक्शन हो जाती है, तो इसमें कोई ऐसी इशू की बात नहीं है, लेकिन आप दोस्तों को ये सारी चीज़ें पे करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, ये है तरीकाकार दुबई में टैक्सी की जॉब हासिल करने का। तो आप दोस्तों को जो है मैंने ड्यूटी टाइमिंग बता दी, इसकी जो सैलरी है वो भी बता दी। तो अगर आप जो है 10 से 12 घंटे की जो है ड्यूटी कर सकते हैं तो फिर आप जो है इस फील्ड में आ सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आप दोस्तों को ये रिकमेंड नहीं करता कि आप जो है इस फील्ड में आएँ, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो फील्ड में आ जाते हैं लेकिन बाद में उनके लिए प्रॉब्लम होता है, वो इतनी लंबी ड्यूटी नहीं कर पाते, तो इस वजह से उनके लिए जो है प्रॉब्लम हो सकती है और आप जो है अपने पैसे भी जो है सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप दोस्तों के माइंड में हो तो आप जो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को जो है वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाजमी लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।